फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेरी जो लास्ट रेसिपी थी मटर पनीर विदाउट एनियन गार्लिक, उसकी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। तो मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई स्ट्रीट फूड बताऊँ बिना लहसुन प्याज यूज़ किए हुए, तो फिर मैंने आज जो रेसिपी सिलेक्ट करी है वो है बहुत ही कॉमन स्ट्रीट फूड है जो आई थिंक हम सबको बहुत पसंद है, और वो है पाव भाजी। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको मैं बनाऊंगी बिना प्याज और लहसुन यूज़ किए। तो सारे जैन जो जैन खाना खाते हैं उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आई एम श्योर। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बनाते हैं पाव भाजी विदाउट एनियन गार्लिक। पाव भाजी बनाने के लिए एक चॉप्ड गाजर, एक कैप्सिकम, थोड़ी हरी मिर्च, एक इंच अदरक और थोड़ी हरा धनिया, साथ ही साथ हमें 2 से 3 बड़े चम्मच चाहिए पाव भाजी मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक टमाटो की प्यूरी, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1 से 2 चुटकी हींग, रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल जो भी आप खाते हो, और नो अन नो गार्लिक की केचप, आप नॉर्मल वाली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वो खाते हैं तो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है पाव, उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 उबली हुई आलू को छील के ग्रेट कर लिया है। ये उबली हुई आलू हमें चाहिए ग्रेटेड, और हमें चाहिए बटर। ये होगी हमारी सारी सामग्री। बटर हम इसको पाव सेकने में और ऊपर से भाजी में डालने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले पैन को गर्म करके मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी, जीरा और हींग से तड़का दे देंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे अदरक, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च यूज़ की है, इसको फाइनली चॉप किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी चॉप्ड कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और चॉप्ड गाजर। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो आप इस भाजी को मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, अब मैं इसमें डालूँगी नमक। अभी मैंने फ़िलहाल 1/2 चम्मच नमक डाला है, बाकी नमक मैं बाद में डालूंगी। नमक मैंने इस समय इसलिए डाला है ताकि जो हमारे गाजर को पकने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। नमक डालने से सब्जियां जल्दी पकती हैं, तो मुझे इनको जल्दी पकाना है तो मैं इसलिए नमक अभी आधा डाल रही हूँ। बाद में मैं इसका टेस्ट एडजस्ट करके नमक और डालूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो की प्यूरी। ये बस एक टमाटो को मैंने रफली चॉप करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसको पहले से बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना है आपको। बस आप टमाटर को एक बार पीस लीजिए और उसकी प्यूरी बना लीजिए। तो मैंने 1 टमाटो की प्यूरी भी इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी पाव भाजी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप जो भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला लीजिए उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मसालों में मैंने देखा है वो अनियन एंड गार्लिक पाउडर यूज़ करते हैं स्पाइसेस में, तो वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा होता है, आप उसको आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टाइम लगे कि हमारा मसाला जल रहा है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड ज़रूर करिए, जैसे कि मैंने किया है। फ्लेम आपको रखना है मीडियम, और ये मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको पकाते रहिए। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसको ढक्कन को खोला है। हमारी सब्जियां जो हैं वो पक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आपको गलानी नहीं है सब्जियां। और अगर आप ये देखिए मसाला जो है सूख गया है, तो आप इसमें वापस से हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें बॉयल्ड और मैश्ड पोटैटो डाल दूंगी, यानी उबले हुए ग्रेटेड जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। दोस्तों, आप सीज़न के हिसाब से इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। अगर हरी मटर का सीज़न है तो आप इसमें हरी मटर भी डाल सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो स्वीट कॉर्न भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से कोई भी सब्ज़ी यूज़ नहीं करी, मैं सिर्फ गाजर और कैप्सिकम डाला है, लेकिन आप अपने मन से कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बैंगन वगैरह नहीं ऐड होंगे, लेकिन इसमें आप गोभी और मटर ज़रूर डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर टमाटो केचप डाला है 2 से 3 चम्मच, जो कि विदाउट अनियन गार्लिक है, लेकिन अगर आप टमाटो केचप यूज़ करते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं जैन पाव भाजी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो केचप मैं यूज़ करूँ वो नो अनियन नो गार्लिक हो, लेकिन ये रूल नहीं है, आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप जो भी आप केचप खाते हो आप वो इसमें यूज़ करिए। दोस्तों, पानी आपको बीच बीच में डालते रहना है कंसिस्टेंसी को मेनटेन करने के लिए। अब हमारी भाजी जो है वो बन के रेडी हो गई है। मैं इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूँगी ऊपर से। आप इसमें अमचूर पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच यूज़ किया है। अब हमारी भाजी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक सर्विंग बोल में निकाल के ऊपर से हरा धनिया से आप इसको गार्निश करिए और सर्व करिए।
तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी ये विदाउट एनी गार्लिक पाव भाजी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट विद मेजरमेंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए दैट हैप्पीनेस इज़ होममेड।